इसे कैसे भी मोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लॉक के लिए भी बहुत बढ़िया है, लचीला है ये। जगह चेंज करोगे, बार बार मोड़ोगे, बार बार ये करोगे तो देखिए क्या क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। ये खराब हो जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, ये सारा सिस्टम जो है ये। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं रामोवत। दोस्तों ये है सेल्फी स्टिक और स्टैंड भी है, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ये देखिए गोरिल्ला ट्राइपॉड है ये, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसका दाम कितना है। और ये जो है ट्राइपॉड है स्टैंड वाला, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है सेल्फी स्टिक, ऐसे करके यहाँ मान लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से सेल्फी ले सकते हैं। मेरे पास छोटा फ़ोन है इसलिए एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करके चलिए फ़ोन हटा देता हूँ, और यहाँ से भी देखिए मुड़ सकता है, ये अप डाउन हो जाएगा, ये देखिए टेढ़ा कर सकते हो। और इसमें मोबाइल फंसा के, और यहाँ से जो है ब्लूटूथ कनेक्ट होता है आपके मोबाइल का, ब्लूटूथ और इसमें कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप सेल्फी ऐसे बटन दबा के भी ले सकते हो, खिंचा जाएगा। इसके बाद ब्लॉक के लिए सबसे अच्छा है, यहाँ से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मोबाइल ऐसे करे और यहाँ से ऐसे शूट होता है ना, जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वह ब्लॉक के लिए भी बहुत बढ़िया है। और स्टैंड भी, जैसे स्टैंड का भी काम आता है ये, यहाँ जैसे रख दिया, स्टैंड का भी काम आता है ऐसे। और मैं ज़्यादातर वीडियो इसी से ही बनाता हूँ, मेरे पास यही है अभी। और ये जो है ये मेरा दोस्त का है, गोरिल्ला ट्राइपॉड, और इसका जो दाम था 269 रुपये जिस समय मैंने लिया था। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो सेल्फी स्टिक है, ये देखिए। और एक साल से अधिक समय हो चुका है लेकिन अभी तक कोई ख़राबी नहीं आया है, कुछ ख़राबी नहीं आया है, देख लीजिए बिल्कुल अच्छा है। यहाँ तक कि ऐसे आप फिल्म भी देख सकते हो, यहाँ मोबाइल लगाए, मोबाइल लगाकर आप फिल्म भी देख सकते हो, और बड़ा देखिए इतना बड़ा कर सकते हो स्टैंड, आप वीडियो भी बना सकते हो, ये हो गया। और इसमें कैमरा फिक्स नहीं होता है, कैमरा फिक्स नहीं होगा, कैमरे के लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा है। तो अब मैंने ये पैक कर दिया, तो देखिए इसमें कैमरा फिक्स हो जाएगा, ये देख रहे हो आप, ये तो मोबाइल वाला है लेकिन इसमें कैमरा भी फिक्स हो जाएगा। इसमें आप कैमरा लगा के भी वो कर सकते हो, और यहाँ से एक वो है, यहाँ से खुल जाएगा, देखिए ये बटन है, यहाँ से ऐसे दबाने के बाद ये खुल जाता है, ये देखिए, और फिर ये वापस लग जाएगा, ये हिलेगा नहीं। फिर क्या करना है, इधर से भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से, इधर से भी दिया हुआ है और इधर से भी दिया हुआ है, देख लीजिए ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसकी खासियत यही है, इतना छोटा ही रहेगा ये, वो आगे जाते ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इतना ही छोटा रहेगा ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों इसको कैसे भी मोड़ सकते हो आप, देख रहे हो ये जो है गोल है, यहाँ से भी मुड़ जाएगा, ये देखिए यहाँ से भी मुड़ जाएगा, ये देखिए इसे कैसे भी मोड़ सकते हैं, ये देखिए। ये ब्लॉक के लिए भी बहुत बढ़िया है, लचीला है ये। और ज़्यादातर लोग ब्लॉक के लिए जो कैमरा इसमें फिक करके और ऐसे ब्लॉक बनाते हैं, और वीडियो के लिए आप छोटा पड़ेगा ये, जो लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उनके लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि इससे कहीं तख्त पे रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीडियो बनाना पड़ेगा खड़ा होकर, अगर बैठ के बनाओगे तो वीडियो नहीं बन पाएगा आपका। और देखिए बैठ के बनाने के लिए वीडियो ये है, ये मैंने गंदा हो रखा है थोड़ा, तो ये थोड़ा ख़राब हो गया है। ये ट्राईपॉड तब काम आता है जब आपको एक जगह काम करना है, जैसे मान लीजिए आपका एक जगह फिक्स करना है, एक जगह आपने इसको फिक्स कर दिया, उसके बाद आराम से आप जितना ऊंचा बनाना चाहते हो, जितना ऊंचा तक ले जाना चाहते हो उतना ऊंचा तक ले जा सकते हो,
और उसके बाद आप एक जगह फिक्स कर लो तो ये काफी दिन तक चलेगा। एक जगह अगर फिक्स करके काम चलोगे तो काफी दिन तक चलेगा। अगर इसको बाहर ले जाओगे, कहीं बार बार जगह चेंज करोगे, बार बार मोड़ोगे, बार बार ये करोगे, तो देखिए क्या क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। ये खराब हो जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, ये सारा सिस्टम जो है ये निकल जाएगा। देखिए बहुत चीज़ें निकल गया इसमें से, और ये देखिए ये इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन ये जुड़ भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा का सारा जोड़ दूंगा मैं उसे वापस। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एक जगह फिक्स करोगे ना ये स्टैंड, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, और वहाँ पर बैठ कर आराम से वीडियो बनाते रहो तो ये ख़राब बहुत कम होता है। लेकिन इसको बार बार मोड़ोगे और बार बार कहीं बाहर ले जाओगे और बार बार इसे मतलब खोलोगे बंद करोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। ये देख रहे हो, आपके सामने ही गिर रहा सारा कुछ, तो ये ख़राब हो चुका है। ऐसा मैंने 2-3 मंगवा चुका हूँ। और सेल्फी स्टिक का मैंने आपको बता ही दिया था, और ये उसी का ही है। इसमें भी ऐसे ही लगाते, देखो, और इसके हिसाब से एंगल ठीक करते। अभी टूट गया तो नहीं तो मैं आपको बताता ज़रूर। और यहाँ से ऐसे मोड़ सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें होता है इसमें। ये देखिए पलट भी सकते हैं, ऐसे करके भी वीडियो बना सकते हैं, और इधर से भी बना सकते हैं ऐसे 16.9 पे और 9.16 पे भी वीडियो बना सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बना सकते हैं ऐसे करके। और ये जो है इतना ही छोटा होता है, ये बड़ा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ये बड़ा नहीं होता। काफ़ी लोग कहेंगे, सोचेंगे बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा नहीं होता। ये ब्लॉग के लिए बहुत बढ़िया है, और बाकी के लिए जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं बैठकर, उसके लिए स्टैंड लाना पड़े, वो कुछ ऊँची चीज़ पे रखना पड़ेगा, उसके बाद वीडियो बनेगा। क्योंकि ये इतना छोटा है कि ये आएगा भी नहीं, नीचे हो जाता है, देख रहे हो कितना नीचे है, एकदम झुक के बनाना पड़ेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। ये ब्लॉग के लिए सबसे अच्छा है, ये ऐसे करके वीडियो बना सकते हो, लेकिन इसे रख कर नहीं बना सकते। और जो सेल्फी स्टिक है वो स्टैंड भी है, और उसे रख कर भी बना सकते हो वीडियो। अभी मैं सेल्फी स्टिक से ही वीडियो बना रहा हूँ, और इससे भी आप वीडियो बना सकते हो। तो कैसा रहा ये वीडियो? ओहो, दाम तो बताया ही नहीं इसका, 350 रुपये है इसका, 350 है। और ये जो मैंने लिया था 250 का, ये 250 का लिया था मैंने ट्राईपोर्ट ये वाला, और ये वाला 350 का है। मैंने पूछा था दोस्त कि कितने का, तो वो बता दिया था 350 का। तो मैंने बोला क्यों ना मुझे एक वीडियो बनाना, तो ये मैं मांग के लाया हूँ, और ये सारी चीज़ पे अपना अनुभव बताया हूँ। और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना। बाकी के लिए इतना ही, जय हिंद।